तो चलो एंड अभी जो टाइम हो रहा है 7:11 हो रहा है एंड ट्रिप को हमने कर दिया था जीरो। अब बाइक को करते हैं स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। एंड अब कोशिश करते हैं यार वीडियो बनाए, बस थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब क्या थोड़ी तबीयत सही नहीं रही यार। मौसम जब चेंज होता है ना तो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, और हमने जो इतनी देर तक मैंने काम करता था यार वो पता चला अभी। मैं आप सब लोगों को बोलता था ना, एंड आप लोग देख भी रहोगे यार कि 10-11 बजे तक मैं काम कर रहा था अप्रॉक्स, मतलब 12-14 घंटा तो कर ही रहा था। एंड देन लॉन्ग टर्म में पता चल ही गया कि तबीयत अभी मेरी ख़राब चल रही है लगभग 1 वीक से, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, ठीक है। बट अब कोशिश करेंगे मतलब एक वीडियो डालने की, मतलब एक दिन गैप करके, कंटिन्यू तो नहीं हो पाएगा बट एक एक दिन गैप करके अब डालने की कोशिश, मैंने आपको 1 वीक वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एंड डेली अपडेट आपको मिलती रहेगी। सो बस यार अब तो गर्मी धूप सब तगड़ा हो रहा है यार, मतलब क्या गर्मी पड़ रही है यार 9 बजे के बाद से। बस यही है यार, जो काम हो जाए 12-1 बजे तक हो जाता है, उसके बाद 2 घंटा तो आराम करते हैं, कहीं छा मिल जाता है तो, क्योंकि यार नहीं हो पाता यार इतनी तेज़ धूप में काम करना, ठीक है। सो चलो मिलते हैं राइड पे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी किया करो, ठीक है। चलो सो फाइनली यार देख रहा हूँ 7:50 हो रहा है एंड अब जाके रायपुरो पे राइड एक्सेप्ट हुई है, वो भी बाइक की थी भाई। जितना तेज़ी से मैंने एक्सेप्ट किया था ना, अब बहुत लौंडे आगे पीछे खड़े हैं यार, सब देख रहे थे भाई किसकी राइड एक्सेप्ट हुई, क्योंकि रैपिडो पे बाइक राइड एक्सेप्ट करना ना बहुत मुश्किल है। लाइट की राइड होते तो कुछ सेकंड तक रहती भी है, ठीक है। एंड देख लो आज राइड का बहुत इशू है यार, सब ऑटो वाले वैसे ही खड़े हैं और कार वाले कैब वाले भी वैसे ही खड़े थे, राइड बहुत मुश्किल से आ रही थी। सो बस यही है यार, कस्टमर से बात कर लिया है, चौराहे के उस पार है, बहुत मुश्किल से। अरे यार ये ऑटो वाले अब इन लोगों को क्या कहोगे, गाली देने का मन करता भाई, लेकिन क्या अब बताओ, उल्टा यहाँ पे टहल रहे, ऐसे लग रहा है गार्डन में टहल रहे हैं। अपने दादा बाप दादाओं के जो गार्डन है ना वहाँ पे टहल रहे, रोड पे नहीं चल रहे, देख रहे हाईवे रोड है और देन वहाँ पे ऐसे चल रहे, उल्टा चल रहे। अच्छा बदनाम लड्डू पे हम खड़े हैं अपोजिट साइड में, किधर है आप? अच्छा बदनाम लड्डू की ओर आ गया है। आगे आ रहा हूँ, देखिए टीवीएस राइडर है ब्लैक कलर की। और सीधे रोड पे ही हैं। राजा राम हॉस्पिटल आप कहाँ पे? नहीं नहीं मैं इधर आ रहा हूँ ना, ये अपोलो की तरफ ना। इंदिरा नगर कहाँ? आलमबाग में खड़े हैं तो इंदिरा नगर कहाँ पहुँच गए आप? ये बोलिए ना, हम उधर नहरिया से आ रहे थे, अब उल्टा टहला रहे हैं। लोकेशन आपकी, आप उल्टा खड़े हैं ना, आपको अर्जुनगंज जाना है, आप वहाँ पे खड़े हो। R1 जाना है क्या? कितना फेयर दिखा रहा है सर? पेमेंट बाद में करेंगे ना, 133 रुपये बाद में करेंगे ना, ऑनलाइन नहीं किया है ना, ठीक है।
यहीं से निकालो, छोटा पड़ेगा। कौन सा है? नहीं नहीं ये लंबा पड़ेगा। अंदर ले लें, रोक देंगे। तो चलो अपनी रैपिडो की राइड कंप्लीट हो गई, अच्छी अर्निंग हो गई यार 133 की। एंड टाइम हो रहा 8:30। तो यहीं पे वेट करते हैं यार, ठीक है? चलो मिलते हैं आपसे राइड पे। बहुत राइड का इशू हो रहा है यार, और रैपिडो पे कैसे राइड एक्सेप्ट भी मुझे ही मालूम है। सब बंदे देख रहे पीछे खड़े हुए हैं इधर उधर, एंड देन उसके बाद से कैब सारी इतनी सारी वहाँ पे खड़ी थी यार। पता नहीं आज राइड का थोड़ा ज़्यादा इशू है यार, जाना भाई। तो चलो यार मिलते हैं आपसे राइड पे। शहीद पथ की तरफ ना बढ़ के, क्या पहने हुए हैं आप? ब्लैक शर्ट। इधर इधर राइट आगे से, यहीं से अपनी ट्रिप हो चुकी है कंप्लीट है। अभी जो टाइम हो रहा है 7:15 हो रहा है, बताओ। और सर दर्द बहुत तेज कर रहा है यार, बहुत तेज कर रहा है। पता है यार कितना तेज धूप हो रहा है। एंड काम का मैं क्या बताऊं, वो तो आपको लास्ट में बताऊंगा ही। देन अभी आज थोड़ा लेट तक काम करना है, ठीक है? क्योंकि यार दोपहर में काम कर नहीं पाते यार, आपको ही पता है धूप की वजह से, और राइडें उतनी आ नहीं रही है। देखो ऊबर पे अभी देखो कितनी राइड हुई है, और 5 ट्रिप पे 305 रुपये की अर्निंग, जबकि यार इस पे कम से कम 600 रुपये की अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है? तो चलो अभी चलते हैं सेक्टर 4 की तरफ, मिलते हैं राइड पे। सो ये जो राइड आई है काफ़ी टाइम बाद आई है यार, बहुत टाइम बाद राइड आ रही है। देख रहे हो 8:30 हो रहा है, एंड ऊबर भी नहीं बज रहा है यार, पता नहीं क्यों शाम को, जबकि पहले बजता था यार। रैपिडो भी नहीं बज रहा है, मतलब यार 4-5 मतलब 12 बजे तक काम अच्छा होता है, देन उसके बाद से फिर काम स्लो हो जाता है। 5 बजे के बाद तो और काम स्लो हो जाता है यार, बट हमने कहा चलो जो मिले ले लो। ओला मगवेंद्र कुमार आप ही नया गाड़ी ले लिया, पैसा हो गया था। पिन क्या है सर? पिन कहाँ गया? जो OTP 0977। MMO पे जाना है ना? सुल्तानपुर रोड पे है क्या? अंकल की तरफ अच्छा।
उसका एवरेज कितना है, तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता है? हो जाता है सर। एवरेज कितना देती है ये? एवरेज सर 60-65 तो दे ही देती है लग रहा है। आपका पेमेंट शायद ऑनलाइन है ना? हाँ, फोन पे से किए हैं। हो गया होगा। हो गया। पेमेंट आपका हो चुका है, ठीक है? रहने दीजिए, कोई दिक्कत, आपका पेमेंट हो चुका है। तो कस्टमर कितने अच्छे थे यार, कि मतलब पेमेंट ऑनलाइन भी था एंड कैश भी दे रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, अभी क्योंकि पैसे ना बहुत मेहनत से आते, किसी से क्या एक्स्ट्रा पैसा लेने का। अभी हम लोग चलते हैं लुलू की तरफ, ठीक है? अच्छे कस्टमर का ना फ़ायदा मैं नहीं उठाता हूँ यार, समझ रहे हो? आप देख ही रहते, दे रहे थे कैश पैसा। हमने कहा नहीं, आपका पेमेंट ऑलरेडी ऑनलाइन है, ठीक है? और ओला में ना मेरा अभी पैसे आते हैं अकाउंट में। पहले था कि मेरा अकाउंट वॉलेट बैलेंस जो था माइनस में रहता था 500-500 रुपया, ठीक है? एंड जब से ओला ये 50% लाया ना, कि मतलब जो पैसा है वो कस्टमर से 50% ऑफ करके लेता है, कभी 40% ऑफ करके लेता है, तो वॉलेट में देता था, तो सारे जीरो हो गए। और देन अभी काफ़ी टाइम से जो पैसे हैं मेरे डेली कुछ ना कुछ 60-70-80-100 रुपया मतलब ऐसे आते रहते हैं अभी अकाउंट में। पहले ऐसा नहीं होता था यार, क्योंकि वॉलेट माइनस में रहता था, पहले वो कमीशन लेता था, अभी 0% कमीशन प्लस उसका ऑफर चल रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो अच्छा बात है कि ओला भी मेरा मतलब जीरो बैलेंस पे है, ऊबर भी चलो मेंटेन है वॉलेट बैलेंस। तो चलो मिलते हैं राइड में, अभी तो लुलू वुलू आ गए बस यार, ठीक है मिलते हैं। सुबह से अभी हम लोग गोल्फ सिटी में आ गए, काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी सोच रहे यार अभी घर ही चलते हैं यार, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:15 हो रहा है एंड इतना बहुत इनफ है यार। मतलब सुबह 7:30-7 बजे लॉग इन थे, तो अप्रॉक्स 13-14 घंटा हो गया यार, और यही इतना ज़्यादा काम करने की वजह से हेल्थ मेरा ख़राब, मतलब तबीयत ख़राब हो गया था। अब चेहरा देख भी रहा होगा थोड़ा डाउन सा लग रहा है, इसीलिए हम इतना मतलब 2-3 दिन से मतलब 6 बजे और 7 बजे घर चले जा रहे थे एंड एवरेज काम हो रहा था। बट हमने सोचा कि चलो आज रुकते हैं, काम मतलब ठीक है, मतलब टाइम तो आज ज़्यादा लग गया, बट मुझे लगता है कि 900 रुपये काम हो गया है, ठीक है? एंड फ्यूल का मैं क्या बताऊँ, फ्यूल कैसे कैलकुलेट, आप लोग देख लेना मैं कितना किलोमीटर बताता हूँ, किलोमीटर के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि हर बाइक का एवरेज अलग अलग होता है। आपकी अगर बाइक जितने का एवरेज देती है उतना आप सोच लेना कि इतना फ्यूल लगा, ठीक है? मैदान तक बैक साइड में एंड अब यहाँ से घर ही चलते हैं, क्योंकि राइड वाइड आने उबर भी नहीं बज रहा यार, 5 बजे के बाद से उबर बजा ही नहीं यार। एक बजा था यार ठाकुरगंज की, बट रात के टाइम पता ही है यार कि उधर ठाकुरगंज बालागंज उधर अलीगंज महानगर जानकीपुरम नहीं जाते हैं, रात में उधर जाने कोई मतलब नहीं। जब तक वो फ्लाईओवर बनेगा नहीं ना, उधर डाइवर्जन है रास्ता, अब तो और भी बंद हो गया, बीच में चालू भी किए थे, नीचे नीचे जाते थे, बट वो बंद हो गया। उधर बहुत जाम लगता है, कोई मतलब नहीं बनता है उधर जाने का। तो कोशिश तो यही रहेगी यार कि इधर ही की राइड मिला करें शहीद पथ साइड की, तो करते रहे करेंगे 40-40 रुपये 50-50 रुपये की, बट उधर हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है? उधर बीच में जाने लखनऊ के बीच में उधर जाने का मतलब तभी है जब दोपहर की राइड हो तो समझ में आता है। आज हम लोग एक बार गए फिर उधर से आ गए, तो फिर अब दोबारा जाने का मतलब नहीं बनता है शाम के टाइम। सो बस अभी चलो यार, आपको अर्निंग दिखाते हैं, किलोमीटर दिखाते, सब कुछ दिखा के घर चलते, काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुका है। कम काम करो, हेल्थ पे भी ज़्यादा आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? लग रहा है बातों से मेरे, ठीक है? चलो मिलते हैं यार। सो चलो आपको अर्निंग दिखाते हैं। अभी देख सकते हो जो टाइम हो रहा है वो 9:15 हो रहा है, ठीक है? एंड ट्रिप बी को हमने जीरो किया था, तो आज हमने जो गाड़ी चलाई है 147 किलोमीटर, ठीक है? एंड आज की जो अर्निंग दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो इन ड्राइव पे आज कोई ट्रिप नहीं, कोई अर्निंग नहीं। ऊबर पे हमारी 5 ट्रिप है, 305 की अर्निंग, कम अर्निंग हुई है। राइड भी पता नहीं कम हो रहा है, इसका रीज़न मैं अभी बताऊँगा, ठीक है? और रैपिडो पे आज अर्निंग ज़्यादा हुई है, जो इस पर शो हो रहा है आप इस पर मत जाओ, ठीक है ना? इस पर आज अर्निंग अच्छी हुई है, आप लोग समझदार हो, समझ रहे होगे, ठीक है? तो 3 राइड्स पे ओला पे हमारी 158 की अर्निंग होती हुई है। एंड अभी बाइक को करते स्टार्ट। सो यार उबर पे
कम काम हो रहा है। इसका रीजन पता है क्या है? क्या रैपिडो के लोगों की आईडी बंद हुई है काफ़ी ज़्यादा। मैं मिलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ जा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ऑफलाइन ट्रिप करते थे, जैन रैपिडो की राइड है उनकी बंद हुई है, तो वो लोग फिर ऊबर पे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, ऊबर है ओला पे, एंड अभी रैपिडो पे भी राइड यार उठती नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से नया अपडेट आया है ना रैपिडो का, तो बहुत कम टाइम मिलता है यार, क्योंकि मतलब रैपिडो को बंदे गाली भी देते हैं, ठीक है, और राइडे भी मतलब नहीं छोड़ रहे हैं। सो अभी क्या बोला जाए यार, क्योंकि नए लड़कों को ना समझ में नहीं आ रहा उनके कौन से काम करना है, कौन सा ट्रिप करना है, कैसे काम करना है। वो लोग बाइक लाइट भी कर रहे हैं, सो यही रीजन है ऊबर पे कम राइड आने का, कम काम करने का। ठीक है, क्योंकि ऊबर ही मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ओला प्रेफर करता हूँ, देन रैपिडो को चलो मैंने रखा हुआ है, बट अभी एक राइड आ रही है HCL सिटी की, कोई मतलब नहीं बनता यार HCL जाने का, गोल्ड सिटी से फिर वहाँ से आप खाली आओ, तो इसको स्किप करते हैं। ठीक है, एंड अभी यहाँ से लगभग 12-14 किलोमीटर घर खाली जा रहे हैं। रीजन यही है यार कि अभी टाइम भी हो गया, कोई राइड भी नहीं आ रही है, सो यही है यार, मतलब तभी नहीं मिल पाता यार शाम को। मतलब आपका शाम तभी अच्छा होगा ना जब आपने दिन में अच्छा काम किया हो, ज़्यादा राइडें एक्सेप्ट की हो, थोड़ी आज राइडें स्किप भी हुई हैं क्योंकि वैसे राइडें आ नहीं रही थी करने वाले। ठीक है, सो शाम तभी अच्छा जाता है जब आपका दिन भी अच्छा गया हो, मतलब ज़्यादा राइडें आपके एक्सेप्ट हुआ, परफॉर्मेंस जो होती है वो आपकी अच्छी हुई हो, मतलब वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है, कि मतलब आपने ज़्यादा राइड एक्सेप्ट किया हो, तो बट आज ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऊबर का हमारी उम्मीद ये टारगेट रहता है ना, कम से कम ऊबर पे 600 रुपये का काम होना चाहिए। ठीक है, एंड देन अदर ऐप से 200-300 रुपये का काम हो जाए, 900-1000 रुपये का काम हो जाए, इनफ है। ठीक है, 10-11 घंटे में, बट वैसा नहीं हो पाया। ठीक है, 900 रुपये की अर्निंग हुई। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अर्निंग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।